ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहुचर्चित रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड पर सोमवार को न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला। आरोपी पुत्र संदीप जैन को मृत्युदंड और सह आरोपियों को सुनाई 5-5 साल की सजा। शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड पर फैसला आ ही गया। 5 साल पुराने इस मामले में पिता और माता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। वहीं आरोपी को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल सप्लाई करने वाले आरोपियों को भी अदालत ने दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत द्वारा शाम 4 बजे आरोपियों को सजा के संबंध में फैसला सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन कटघरे में ही बेहोश हो गया था। इस प्रकरण में रावलमल के पुत्र ने योजनाबद्ध तरीके से अपने माता पिता की हत्या किया है। इसके लिए इसे सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चे को उसके मायके दली राजा भेज दिया। उसके बाद इसने उसके पूर्व प्लानिंग था रिवॉल्वर खरीदा और उसके बाद इसने 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद से 1 बजे का सवेरे का टाइम चुना और माँ पिता को 3 गोली मारा और माता को भी 3 गोली मारा। माता को गोली इसलिए मारा कि वो पिता गिर गया तो उसने सुरजी भाई ने माता ने फोन किया सौरभ गोलछा को जो उसका नाती है, तो सौरभ गोलछा ने फोन रिसीव करके आया तो उसके पहले गोली मार दिया ताकि उसको डिस्क्लोज ना होने पाए, उसके खिलाफ कोई गवाही ना बन पाए। अब इस बात कोर्ट में ट्रायल हुआ तो हमारा मेन पॉइंट ये था कन्विक्शन का कि 7 दिन धारा 106 एक साथ घर में 3 लोग हो, 2 मर गया 1 जिंदा है, तो मुलजिम पर इम्पोर्टेंट शिफ्ट हो जाता है। को बताए तो 2 आदमी कैसे मर गया तो ये बताने में संदीप जैन असफल रहा। और मृत्युदंड सजा इसलिए हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय कई न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें हेल्पलेस चाइल्ड जो माता पिता के संरक्षण में रहता है, चाचा के संरक्षण में रहता है, उसको कोई हत्या कर दे, बुजुर्ग माता जो पुत्र के ऊपर आश्रित रहता है ओल्ड एज होने के बाद उसकी हत्या कर दे, तो ऐसे हत्या को विरलतम से विरल माना गया है, विरलतम में विरल, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वाले लोग, इस तरह के और बहुत सारे अपराधी हैं जिसमें 13 पॉइंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के जजमेंट में, 13 पॉइंट दिया है कि हायरर किलर है, एक अपराध खजा भोग रहा है मृत्युदंड द्वारा है, आजीवन का द्वारा फिर कर दे तो मृत्युदंड, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसमें उसके पॉइंट 10 में दिया हुआ है कि वृद्ध माता पिता छोटे बच्चे जिसको संरक्षण में है जिनके वही उसकी हत्या कर दे तो उसको फांसी मिल जाए। हाँ दरिद्रता ये आई थी इस केस में, डिफेंस का ये कहना था कि कोई व्यक्ति इस पार पर पहुँच सकता है, तो हमारा ये तर्क था कि कोई मर्डर क्यों करेगा रावलमल का, स्टेब्लिश हो गया था रावलमल का कोई शत्रु नहीं है, घर में सारा सामान सुरक्षित है, तो बाहर का आदमी मर्डर कैसे करेगा। नंबर वन, कोई भी आते अपने घर का दरवाजा खुल के नहीं सोता, और भी कहना कुछ सामने अहम बिल्डिंग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।